अच्छा हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और रहे होंगे और लॉकडाउन के सिलसिले में अपने घर में अपनी सेफ्टी कर रहे होंगे और अपने फैमिली की भी। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का तो आजकल इलेक्ट्रिक वाले तो अपनी जो प्राइस है बड़े खूबी से अंजाम दे रहे हैं, यानी कि 12-12, 13-13 घंटे लाइट ही नहीं है। हर 2 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट जाना तो मस्ट है और उसके बाद अगले घंटे पता नहीं लाइट आए ना आए, ये भी नहीं पता। अब कराची की पॉपुलेशन, मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो रहती है फ्लैट्स में। अब 2 कमरों का फ्लैट है, उसमें अगर 4 बच्चे, 2 पेरेंट्स, 6 अफराद हैं, दिन में 12 बजे, ठीक 12 बजे, और मतलब सूरज फुल स्पीड से चमक रहा है और उसी वक्त लाइट चली जाती है। अब बंदा क्या करे, हर कोई तो जनरेटर नहीं अफोर्ड कर सकता, गर्मी में बैठे रहते हैं बेचारे। मतलब इस दौर में वो भी जबकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में स्कूल सारे बंद है, कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, बिजली सारी आपकी बच रही है, 7:00 बजे सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं, मार्केट बंद हो जाती है, सारी मॉल्स बंद हो जाते हैं, वो सारी इलेक्ट्रिक आपकी बच रही है, तो इलेक्ट्रिक जा कहाँ रही है, बिजली जा कहाँ रही है, क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक वाले तो मतलब बैठ के अपनी क्या अर्निंग कैसे कर रहे हैं, क्या कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस पता नहीं आ रहे हैं और अपना बैठा टाइम पास क्या और चलेगा। मेरा ख्याल तो ये है कि के इलेक्ट्रिक का नाम के इलेक्ट्रिक बदल के किलर इलेक्ट्रिक रख देना चाहिए, क्योंकि यही इनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोगों में और कॉन्फिडेंस आता है और हम जो है और ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं। ओके गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।